उन पे निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हजूर तो जिहड़ा कुर्बान होवे ओ किवें परेशान होवेगा, हजूर दा तो ख्याल भी आ जावे तो परेशानियां दूर हो जांदियां ने। अल्लाह पाक दा साढ़े ते खास करम है, फजल है उसका कि उसने सानू इंसान भी बनाया है, हजूर दा गुलाम भी बनाया है। जिंदगी दा बेहतरीन गुजारन दा तरीका यही है कि बंदे नू ईमान दी दौलत नसीब होवे और बंदा हजूर दे नक्शे कदम ते जिंदगी गुजारे चलदा होया ते उस दी जिंदगी फिर कामयाब जिंदगी हो जाती है। क्योंकि जिंदगी जड़ी है एक सफर है और हर सफर दी कोई इब्तदा भी होंदी है, कोई इंतहा भी होंदी है। एक ना एक दिन यह सफर खत्म होना है। मुसलसल सफर जड़ा है ना ये जारी है, हर बंदे का एक सफर हो एक एक सा अल्लाह पाक गिणदा पे। अल्लाह पाक फरमांदा है नउद्दु लहुम अद्दा, तुहाडा जड़ा सा है ना असी हर एक एक सा गिणदे पे हां। जिन ने असी किसी के मुकद्दर सा लिखे ने उस तो बाद एक सा भी नहीं आ सकता। तो यह सा इन्ना कीमती है इंसान का कि जिंदगी दिया सारिया बहारा इस सह के नाल ने। सह चलता पे तो सारिया नेमत सारिया दौलत सारा कुछ कम का है, बंदे का फायदा है। जो सह रुक जाए तो सारी हर चीज इत रह जाने। ये सह इंसान का कीमती है। मेरा आका फरमाते हैं जो जनती जन्नत जाएंगे ना तो जन्नत जाने के बावजूद उन्होंने हसरत होगी इस चीज की, लैसल मादीन हमल मौत, उन्होंने मौत का गम नहीं होगा भी मौत क्यों आ गई, दुनिया च रहते हमेशा दुनिया की जिंदगी, उन्होंने इस चीज की मौत की उन्होंने कोई हसरत नहीं होनी। उन्होंने गम होगा तो किस चीज का होगा कि जेड़ा लम्हा जेड़ा सह गफलत गुजर गया है ना उत्थे भी याद करते हो गए काश के यह सह सा गफलत ना गुजरता, यह सह भी सा अल्लाह के अल्लाह के रसूल की याद ही गुजर जाता। अज तो लोगों को अपनी जिंदगी की कदर कोई नहीं है, अपने सावां की कदर कोई नहीं है। जिथे कोई बह गया अगर मोबाइल कढ़िया तो घंटा गुजर गया पता ही कोई नहीं भी मैं किस काम वास्ते मोबाइल कढ़िया। एक मेरा एक दोस्त कहता भी एक दिन टाइम वेखन वास्ते मोबाइल कढ़िया तो घंटे बाद चेता आया भी मैं तो टाइम वेखना सी। वो इन्ना बंदा मसरूफ हो गया है मोबाइल दे विच भी उन्हों गफलत ही गफलत है, पता ही चेता ही नहीं रह गया कि मैं पैदा किस वास्ते होया। अज अक्सरीयत लोगों की उन्होंने पूछो उन्होंने जिंदगी का मकसद ही पता कोई नहीं भी असं पैदा किस वास्ते हुए। ओ अकबर इलाहाबादी ने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा सी कि क्या बताएं अहबाब क्या कार नुमाया कर गए, बीए किया नौकर बने पेंशन ली और मर गए। कि लोग की समझते ने भी चार दिन स्कूल पढ़िया कोई डिग्री हासिल की मुड़ कोई नौकरी लग गए, चार दिन नौकरी की मुड़ पेंशन मिलती रही फिर मर गए, बस यही जिंदगी का मकसद है। इस काम वास्ते बंदे नूं पैदा नहीं किया गया। हर चीज जिहड़ी बंदे दी नौकर बनाई गई है, हर चीज बंदे दी खिदमत कर रही है, ते बंदे नूं अल्लाह पाक ने इन्हां चीज़ां वास्ते नहीं बनाया। बंदे नूं मालिक ने अपनी रजा वास्ते अपनी इबादत वास्ते पैदा फरमाया। ये बंदा अपने रब की पहचान करे, रब का इरफान नसीब होवे, ईमान नसीब होवे, इबादत नसीब होवे।